एक दिन की बात है, जब एक आदमी बैलगाड़ी से वो कहीं जा रहे थे। कुछ समय चलने के बाद रात हो जाता है और वो आदमी पैदल ही घर की तरफ निकल जाता है। उसे चुड़ैल उठाकर ले जाती है। एक जंगल में हाथी और एक सियार रहता था। जंगल में सियार भूख से इधर उधर भटक रहा था। जंगल में घूमते घूमते सियार एक जगह आया जहां उसने देखा हाथी को। हाथी को देखते ही सियार के मुंह में पानी आ गया। सियार हाथी को खाने के बारे में सोचने लगा। यह सोचकर सियार हाथी के पास गया। हाथी के पास सियार जाके बोला, हाथी, जंगल में बहुत से जानवर रहते हैं, लेकिन कोई भी जानवर आपसे बड़ा और समझदार जानवर नहीं है। क्या आप जंगल का राजा बनना पसंद करेंगे? हाथी को सियार की बात सुनकर उसे अच्छा लगा। हाथी सियार को जंगल का राजा बनने के लिए हाँ बोल दिया। हाथी के हाँ बोलने पर सियार ने बोला, आप मेरे साथ चलो। फिर हाथी ने सियार के साथ चल दिया। सियार हाथी को एक तालाब के पास ले गया। सियार बोला कि आप नहाने के लिए तालाब में उतर जाओ। तालाब में बहुत ही दलदल था। राजा बनने की खुशी में हाथी तालाब में उतर गया। तालाब में उतरते ही हाथी धंसने लगा। हाथी सियार से बोला कि आप मुझे कैसे तालाब में ले आए? मैं इस तालाब में धंसता ही चला जा रहा हूँ। सियार यह सुनकर जोर जोर से हंसने लगा। सियार बोला कि मैं तुम्हें अपना शिकार बनाना चाहता था, इसलिए मैं तुम्हें इस तालाब में लाया। यह सुनकर हाथी उदास होकर रोने लगा। हाथी ने तालाब से बाहर निकलने का बहुत प्रयास किया, लेकिन बाहर नहीं निकल पाया। धीरे धीरे हाथी दलदल में धंसने लगा। हाथी को दलदल में धंसते देख सियार हाथी को खाने के लिए तालाब में उतर गया, जिसके कारण सियार भी हाथी के साथ दलदल में धंस कर मर गया। तो हम बच्चों इस कहानी से सीखते हैं कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोलता है, वह उस गड्ढे में खुद ही गिर जाते हैं और मर जाते हैं।